अपन कोई दर्शन कहियो कि नहीं भगवान अपन दर्शन करेगा। भगवान अपन का देखेगा, 24 घंटा अपना पर नजर रखेगा, दृष्टि रखेगा, और अपन को देखनो नहीं है, अपन का केवल का दर्शन कर, दर्शन में और देखना वो बहुत अंतर है। एकासी जो भी होए तो देखो मत, दर्शन करो। हम देखांगा तो हमारी दृष्टि में दोष आई जाएगा। एकासी देखनो बंद करो, दुनिया में देखनो बंद कर दो, जो भी सामने आओगे देखो मत, उनका दर्शन करो। दर्शन करोगा तो दृष्टि पवित्र रहेगा, दर्शन करोगा तो नैन भी अच्छा रहेगा, नेत भी अच्छी रहेगी, और देखोगा तो नैन भी खराब होएगा और एक दिन नियत भी खराब हो जाएगा। एकासी देखो मत, केवल दर्शन करो। ओको काम से देखना को, हमारो काम से दर्शन करना को, ये उचित चीज। देखो चोर और चौकीदार, चौकीदार चौकी पर छे और चोर, चोर आयो न चोर कभी चौकीदार का देखी ले तो चोर के लिए कोई खतरो छे? कोई खतरो नहीं, पर जो चौकीदार कभी चोर का देख रहे उचित छे। चौकीदार की नजर में चोर नहीं होना चाहिए, चोर की नजर भले चौकीदार है 24 घंटा तो चलेगा, पर चौकीदार की नजर में कभी चोर नहीं होनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार अपन तो सब अपना अपना पाए ना कि चौकी ने जबे जमीन बटा चौकीदार की तरह, पर वो माखन चोर आयो न कई चक्कर अपन देखी ने चली गो, पर अपन तो सूत अपन चौकीदार की तरह बटाया पा दिया न चोर देखी ने चली गो, कोई ना कोई रूप में आवत। एक आप कथा सुनी रहा न कथा सुन तो सुन तो बिल्कुल हवा बंद छे, न एक हवा को झोंको ठंडी आवत झोंको आई जाए समझ लो कि पवन पुत्र का रूप आई गई आवाज। अनुभव करो आप स्थाई पर नामदेव भगत की भगवान के प्रति भक्ति तीव्र थी। भक्ति हम भी करें भगवान की, पर हम लोग ना की भक्ति तीव्र नहीं है हमारी, वो भक्ति जो छिकी नहीं, हमारी भक्ति कमजोर है। जसो अन्य भाव थे हमारा अनन्य भाव थे, भगवान का प्रति अन्य भाव रखोगा तो आप जो कर रहा एक पुण्य लगने लगे। आप भगवान का प्रति अन्य भाव रखी पूजा पाठ करोगा तो को पुण्य लगेगा, और अनन्य भाव से करोगा तो पुण्य नहीं मिलना को परमात्मा मिलेगा। अन्य भाव से पुण्य मिला और अनन्य भाव से परमात्मा मिलेगा। अन्य भाव और अनन्य भाव अंतर से, अन्य भाव मतलब पहले भगवान का भोग लगो फिर जिमूंगा, ये कही है अन्य भाव। भगवान का भोग नहीं लगाऊं जब तक रोटी अच्छी नहीं लगा, रोटी भावा नहीं आई, ये अनन्य भाव है। अनन्य भाव अन्य भाव टाइम बचेगा तो कथा में जावांगा, टाइम निकाले देखा टाइम मिलेगा तो आवांगा। आज भी कोई भैया हमारा गाँव में कथा कि भाई लोग पर्चा बांटना गए कह भैया हमारा गाँव में कथा रहा पता देखांगे निकालेंगे टाइम 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 मिलेगा तो आवांगा। समझो अन्य भाव छे, नहीं टाइम मिलना को अरे टाइम निकाले ही ना आवा, ये अनन्य भाव है। भगवान का प्रति जो श्रद्धा छे, श्रद्धा रखो तो भगवान की श्रद्धा मेहमान की तरह होनी चाहिए, एक भिखारी की तरह नहीं होनी। जैसो भोजन मेहमान का भी देवाए और भोजन भिखारी का भी देवाए, पर दो ही अंतर छे। आप जिमन बटिया कोई भिखारी आई गो आई कहोगा जरा बटी जा हमारा जीवता न बचागा तो तुको देवा, भिखारी को व्यवहार। आपका यही जी ने बटिया भोजन तैयार हुई गो तो यही जी का भी ऐसा कहोगा कि रुकी जा जरा घर का लोग ने जिमी ले बच्चा तो तुम देवांगा नहीं, एक काम करो पहले मेहमान ने जिमाड़ देवा वो का बार अभी जिमी का अपन अपना हिसाब से देखी लेगी, पर पहले मेहमान ने जिमाड़ा मतलब भोजन बने तो पहले मेहमान का जिमाड़ा होगा बाद जिमा ये मेहमान इनका साथ मेहमान का साथ कराए ना। भिखारी का भी ऐसा कहोगा कि चलो पहले भिखारी जिमाड़ दे बच्चा का तो अपन खावांगा नहीं बच्चा का तो देवांगा। आपका पास टाइम बचा तो भगवान का देव समझो कि आप भगवान का भगवान ने भिखारी मानो नहीं टाइम नहीं तो पर टाइम निकाले ना कि ये काम का आज को काल कर लूंगा पर पहले कथा में जाऊंगा तो समझो कि भगवान का तुम मेहमान की तरह मानो। भाव कहाँ का अन्य भाव से क्या अन्य भाव से पहले ये तो देखो कि यूज करे जरा दीन दयाल विरे संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी दीन दयाल विरे संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी फिर चाय खाई फिर चाय पी फिर पोहा खाया फिर पछावा चल लग जा का को संकट भरे हो चाय न पोहा मचकेरा संकट थे का संकट तो वो आवा एक दिन नते मृतिक चल रहे मृत्यु लोके। हाँ चार का बीच में खेचिन ले जाएगा चाय को कब आतन में रह जाते ना मुंडो फाड़ देगा वो संकट आवेगा। अभी तो चाय ने पोहा मच के रहा है दीन दयाल विरस संभारी अनु नाथ संकट भारी संकट छे का अभी देखियो नहीं संकट। श्रद्धा रखो तो अन्य श्रद्धा मत रखो, भगवान के प्रति अनन्य श्रद्धा हो जाए।
वही बात सिंगा जी बाबा दोहरी रहा कि नामदेव की माता दीनी गारी और सिकंदर और कबीर की माता सिकंदर पुकारी। तब सिंगा जी सानीवती की पाड़ा पाड़ी छोड़ आगे कर ली। पाड़ा पाड़ी ले गई तहां मैं की पाड़ा मेल भयो तहां। दूध दुई जब घर में आयो तभी सबको मन बती आयो। ये कहिए सो चलिए चाल और या के मते में होई निहाल। मति अपार है साधु की बिरला पावे पार। अगम पंत को गम करे कहे घेम विचार। मगन मतो है साधु को सीची निर्गुण बेल। अरे ज्ञान का दीपक जो उता जा बिन बाती बिन तेल। ऐसो सिंघारी बाबा ना पर चुरी। इसी प्रकार एक दिन सिंगाजी बाबा का कुछ अनुयायी लोग सिंगाजी बाबा का समीप आया। ता पीछे लोग मानदाता आए सिंगा स्वामी को वचन सुनाए। चलो स्वामी मानदाता जावा आदि ओंकार बसे तीन ठावा। सिंगाजी बाबा सिंह उनका शिष्य लोग कहे गुरु महाराज आज हमारी आशीष चला जी के अपन मानदाता ओंकार सर चला और वहां पर नर्मदा मैया में स्नान भी कर लेवांगा और ओंकार महाराज का दर्शन करांगा। तो सिंगाजी बाबा का भाव ये था कि तब सिंगाजी बोले निर्मल वाणी सकल तीर्थ पत्थर पानी आदि ओंकार बसे घटमाई सतगुरु परचा पाया। भैया हमारे लिए तो जहां बटा वही हमारे लिए तीर्थ छे और आदि ओंकार तो हमारा घटको वास है। ये उनका भाव भी था और ये उनको अनुभव भी था। जब तक अनुभव नहीं होए तब तक भाव कोई काम को नहीं रहते। अनुभव है तो भाव भी काम का है। अनुभव नहीं है और बिना अनुभव को भाव बने ले होगा तो उकासी देखा देखी लिया जो घटे काया बड़े रहो। पहले अनुभव करो तो बाद में भाव काम दे। सिंगाजी बाबा ने अनुभव करे तब कहे कि सकल तीर्थ पत्थर पानी। आज इसी वाणी को आश्रय ली ना कई लोग तीर्थ वर्तने की बुराई करे पर तीर्थ को कभी तीर्थ की अवहेलना मत करो। हमारा साधु महात्मा लोग हम वास कर रहे उनका चरण की रज हमारा मस्तक का लगी जाए तो निहाल हुई जाए। एक ऐसी तीर्थ का समझो कि तीर्थ का ही है। हम तीर्थ का समझ ही नहीं पाया और हमने तीर्थ की अवहेलना कर दी। यहाँ की जगह दो भाव छे एक निर्गुण और एक सगुण। तो सगुण और निर्गुण में ये अंतर छे कि पहला सगुण का मान लू पड़ा तब जी कोई निर्गुण तक जाए आसो निर्गुण तक सीधो नहीं जाते। देखो पहला आग छे कि अंगारो छे करो विचार। पहला आग की पहला अंगारो आपको मान लो कि कंडा को अंगारो तैयार कर लू तो सीधा अंगारो नहीं बनना। पहले वो काम आग लगेगा वो कुछ समय जलेगा जलने के बाद थोड़ा धुआं उठेगा धुआं उठने के बाद फिर वो अंगारो बनेगा। आपको धूप डालनी है कि बाटी सेकनी है जगरो लगनी है तो पहले आग प्रज्वलित हो अंगारो बाद में बने। और आग आग जो छे आग ये प्रज्वलित हो कि नहीं तो आग फैला है अंगारो फैलतो नहीं है। अंगारो जितना बड़ा जितना बड़ो रहेगा और आग तो फैलती चली जाए तो फैला हुआ तक फैलती जाएगा। ये आपने कंडा पर आग रखी तो आग जितनी जितनों बर्तन जो उतनी फैलती जाएगा पर अंगारो जो एक बार बनी गो सो बनी गो वो अंगारो फैलतो नहीं कभी भी अपनी जगह पर रहेगा। वो तो कहीं हवा आंधी चलन कोलते उड़ी जाना आग डबल से लगी जाए तो भी आग ही फैलेगा। अगर वो अंगारो उड़ने कहीं पर चली भी गो और वो फैला कभी तो आग फैलेगा पर अंगारो कभी फैलतो नहीं है। अंगारो स्थिर स्थिर आग चलाए मान छे तो जो सगुण छे वो आग छे और अंगारो छे वो निर्गुण छे वो स्थिर रहे। अब देखो अंगारा पर आप कुछ भी चीज आग पर कोई चीज आप रखोगा तो शोर करेगा और अंगारा पर कोई भी चीज रखो तो शोर नहीं करना। जैसे अंगारो तैयार हुई गई उस अंगारा पर तुम बाटी सेको तो बाटी को शोर थोड़ी होगी। न, 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 आग जली रही आग के ऊपर तुमने चाय चूरना धरी कि दाल चूरना धरी वो खदड़ खदड़ की आवाज अलग जाओ। क्यों क्योंकि सगुण आए सगुण में सौर गुल हो और निर्गुण क्योंकि निर्गुण स्थिर से सौर गुल नहीं होती वो स्थाई छे। जगरा पाप जब बाटी सेको तो बाटी में किसी को तो आवाज आ गई चुड़ चुड़ ऐसे की करे कुछ नहीं वो क्या आवाज क्यों नहीं होती क्योंकि स्थिर
और एक ही आवाज आवे क्योंकि चलाए मान जी। तो इसी प्रकार पहला आग तैयार होएगा वो का बाद में अंगारो तैयार होगा। सीधा सीधा अंगारो नहीं बनना। और जब जब भी घी और गुड़ डाले हो तो आग पर नहीं डाले, अंगारा में डाले जाए। गुड़ की गुड़ और घी की धूप कहां पर लगा है? अंगारा पर लगा, आग पर नहीं लगती है। पर आग का बगैर अंगारो तैयार नहीं होना। तो इसी प्रकार पहले तीरथ व्रत मंदिर मठ पूजा पाठ ये सब करना पड़ेगा। ये कही आए क्योंकि ये जलती हुई अग्नि आए। फिर एको कही होएगा ये करता करता जिन दिन मन स्थिर हुई जाएगा, समझो मन स्थिर हुई हो और अंतःकरण में चेतना जागृत हुई, समझो क्या भाई यहाँ हृदय में अंगारो तैयार हुई हो। अब अंगारो तैयार हुई हो अब कोई कुछ नहीं करने की जरूरत है। ओट हिले ना कंट हिले और मुख से कहू ना राम, अब राम मेरा जाप करे और मैं सोऊं आराम। समझो तो सही, पहले निर्गुण कही है ना सगुण कही है, यू चिल्लाए जा रहा है। कई लोग ने भगवान की मूर्ति ठंडी कर दी माई में जी ने और पूजा पाठ बंद कर दी। क्यों? दगड़ की मूर्ति आई या कहीं बोला है या कहीं बोला है कहीं छेको ये हनुमान जी कहीं बोला है ये चार भजन आते कहीं बोला है करिया ठंडी कई नन्न कही दियो कि पत्थर की मूर्तियां आए ये कहीं बोलती नहीं है कि खाती नहीं है ये कर दी ठंडी। पर एक बात छे जो लोग ऐसा कहे कि पत्थर की मूर्ति आए ये कहीं बोला है क्यों घर में रखी तो उनका से एक बात पूछ जो कि भला आदमी हो तुम्हारा घर में कांच टंगेल रहे वो कांच कभी बोला तुम्हारे से कभी बात करी अकेला में घर कभी अकेला रहता तुम्हारे से बात करे यार भाई काय हालचाल छे नींद आई रही कि नहीं आई रही रोटी अच्छी लगी कि नहीं पूछा कांच कभी फिर भी घर में टांगी ना रखो काय करेंगे। जब कांच का पास जाओ तो कांच तुम्हारा चेहरा का चित्र का ठीक कर दे। कोई टीकी वाकी लगी कि मांग वाकी हुई गई कि मुंडा पर भाजी को छिलको चिपकेल छे तो कांच झट के जगह भाजी को छिलको चोटे तो पूछने लगी जाएगा। कांच ने तुम्हारा चेहरा का ठीक कर दियो न बोलियो करियो कहीं नहीं खाली होगा सामने गया कि सब ठीक कर दियो। अब बताओ कांच बोलियो कभी कि भाई नशे की जीती तुम्हारी टिक्की बाकी थे कि मांग बाकी थे? कांच ने तो कहीं नहीं गया आज तक। पर तुम जैसा होगा सामने गया तुम्हारा चेहरा को चित्र ठीक कर दियो। जब एक कांच आदमी का चेहरा का चित्र का ठीक करे तो परमात्मा की कथा परमात्मा को दर्शन परमात्मा को नाम इंसान का चरित्र का ठीक करे। कसो कह दिए कि कहीं नहीं होतो ही वो तो कसो नहीं है। कंचन कंचन ही सदा कांच कांच सो कांच अरे कबीरा झूठ सो झूठ है और सास सास को साजन जोर की बजा तो कहने नहीं। उस परम सत्य का नकारो मत समझो बस काली कि अभी अंगारा अभी आग नहीं जली ना अंगारों तैयार कहां से भी जाएगा। पहले सगुण का तो समझो फिर निर्गुण की बात करांगे। प्रथम चरणम सहजा अवस्था द्वितीय चरणम ध्यान रचनम तृतीय मूर्ति पूजा और चतुर्थ तीर्थम। पेड़ी बाई पेड़ी चढ़े जाए डायरेक्ट पाए नहीं पुराई जाए। अब तीरथ जो जाना थे उनने भी हद कर दी एक लोग मजाक उड़ा हुआ उन्हें तो वो भी तो भला आदमी नहीं सीधा रहता। तीरथ गए दऊ जना चित चंचल मन चोर एक पाप ने काटिया मन दसला दे और आ तीरथ करने जाए वहां की जगह तो पुराना जूता हेड़िया उन पाटा का मच के लाओ। एक बार सोच लो हमारा हृदय राम भाई न दिलीप भाई कहीं घूमता घूमता हरिद्वार चलेगा तब इनका घर सी दई धर्मपत्नी ने भी कभी साथ में लेगा और साथ में था अपना अपना बारुई विश्राम कर रहा था। सवेरे 4 बजे रास्ते हृदय हृदयराम भाई का भाभी ने उठाया देखो तो कितना लोग सुबह से उठी ना गंगा स्नान कर लेने जाए ना तुम सोया जाए अभी तक भाई अपनो घर थोड़े चलो जाओ नहीं ना हो तो बोला ठंड का दिन जो 3-4 कंबल लपटिया लुटिया।